दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं 2017 में रिलीज हुई द टाइम ट्रैप मूवी को। मूवी शुरू होती है हॉपर से, जो 1970 के दौरान लापता हिप्पीज जो फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में निकले थे और वापस नहीं आए। हॉपर उनके बारे में शोध करने के लिए दूर किसी जंगल जाता है। वहाँ पे उसे पुरानी हिप्पीज के वैन के अलावा एक जर्नल मिलती है, जिसमें एक पिक्चर, किसी तरह का नक्शा, कुछ अजीब डरावने चित्र और फिर नजदीक एक खाई दिखाई पड़ता है। उसका कुत्ता अजीब कारण से भौंकने लगता है और हॉपर की नजर दूर एक गुफा में पड़ती है। कुत्ता उसे वार्न करता रहता है पर हॉपर इग्नोर करके गुफा को चेक करने बढ़ता है, पर वहाँ उसे काउबॉय के पोशाक में एक लैंटर्न के साथ एक इंसान दिखाई देता है जो चुपचाप खड़ा है और उसके पास एक गन भी है। ये देखकर हॉपर यहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। घर पर उसका असिस्टेंट टायलर और जैकी उसका इंतजार कर रहे होते हैं और हॉपर से बहुत विनती करते हैं उन लोगों को अपने साथ खोज में ले चलने के लिए, क्योंकि ये दोनों उसके असिस्टेंट हैं। पर हॉपर उन दोनों को साफ मना कर देता है। फिर अगले दिन हॉपर उसी जगह पर वापस जाता है और सबसे पहले उसी वैन के नजदीक में जो खाई है उसमें रस्सी बांध करके रस्सी को खाई में डाल देता है, ताकि यदि वो गुफा में जाए और गुम हो जाए तो वह यहाँ से बाहर निकल सके। फिर वो उसी गुफा में इंटर करता है और वो देखता है कि वो आदमी अभी भी यहीं पर खड़ा है। फिर जैसे ही हॉपर उस काउबॉय के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है, हवा में उसे अजीब तरीके से एक थिक मॉइस्चर सा इनविजिबल दीवार जैसा महसूस होता है और जैसे ही वो उस मॉइस्चर में अपना कदम रखता है, यहाँ पर सीन कट होकर दो दिन बाद का समय दिखाया जाता है। इधर टायलर और जैकी को हॉपर की चिंता हो रही है क्योंकि वो दो दिन से लापता है। अब ये दोनों हॉपर की तलाश करने का तय करते हैं, पर दोनों के पास कार ना होने के कारण जैकी के रिक्वेस्ट पर टायलर अपने क्रस कायरा से मदद लेता है, जिसके पास माउंटेन ट्रक है, तो वो हाँ बोलती है। पर उसी दिन कायरा को अपने सिस्टर विविस और उसके फ्रेंड फर्बी को प्रोजेक्ट पर ले जाना होता है, तो वो क्या करे, वो उन्हें भी अपने साथ ले चलती है। पर उन दोनों ने इनमें से किसी को भी नहीं बताया होता है कि एग्जैक्टली वो दूर दराज के एक गुफा में हॉपर की तलाश करने के लिए जा रहे हैं। फिर जब ये लोग उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें एक वैन और वैन में कुछ सामान मिलते हैं और कुछ पिक्चर्स मतलब फोटो भी मिलते हैं। तब पिक्चर के पीछे नाम को देखने के बाद टायलर को पता चलता है कि हॉपर सिर्फ किसी अनजान हिप्पीज की खोज में नहीं निकला था, बल्कि उसकी खुद की फैमिली यहाँ पर गुम हुई थी। फिर अब इनका ध्यान एक रस्सी पर पड़ता है जो नजदीक के गुफा में जाता है। उनको यह समझ आ जाता है कि ये रस्सी हॉपर का नहीं हो सकता क्योंकि वह काफी पुरानी दिखती है। कुछ दूर अंदर जाने के बाद रस्सी एक गहरे खाई की तरफ कट जाती है। हॉपर की तलाश में सभी डिसाइड करते हैं नीचे जाने का, लेकिन फर्बी गुफा के डर के कारण ऊपर रहने का तय करता है बैकअप के लिए। विविस पहले जैकी के साथ नीचे उतरती है। कायरा उसे पुकारती है पर दोनों का कोई भी जवाब नहीं आता। फिर ये दोनों भी उतरते वक्त हवा में इनको भी मॉइस्चर सा इनविजिबल दीवार महसूस होता है। इधर जब हॉपर गुफा के अंदर धीरे धीरे उस काउबॉय के नजदीक जाता है तो उस काउबॉय की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिर अचानक से वह चलने लगता है और फिर वो वहाँ से आगे निकल जाता है। यहाँ पर हॉपर एक और चीज नोटिस करता है कि गुफा के एंट्रेंस में रोशनी में अजीब तरीके से बदलाव हो रहे हैं, कभी तेज, कभी धीमे और कभी अंधेरा। फिर हॉपर को अचानक से किसी के चिल्लाने और गन शॉट का आवाज सुनाई देता है और हॉपर डर के मारे वहाँ से सीधा बाहर निकल जाता है। पर अब यहाँ उसे बड़ा झटका लगता है, बाहर रात हो चुकी है जबकि उसे अंदर गए कुछ ही मिनट हुए थे और आश्चर्य तरीके से उसे अपनी ट्रक घने झाड़ियों से घिरी मिलती है और गाड़ी शुरू करने की कोशिश में शुरू भी नहीं होती। फिर उसे टायलर की भी वैन दिखाई देती है जो खुद भी वैसे ही झाड़ियों से घिरी होती है। यहाँ वैन के अंदर उसे जैकी का बैग मिलता है पर उन्हें उन लोगों का कोई भी अता पता नहीं दिखता। अब हॉपर को कोई और चारा ना दिखने पर वह फिर से गुफा में जाता है और रोशनी के लिए इस बार टॉर्च स्टिक अपने रास्ते में डालता रहता है, पर उसमें से एक स्टिक हवा में तैरने लगता है और जैसे ही वो उसे छूने पड़ता है वो फिर से नीचे गिर जाता है। इधर सभी फाइनली गुफा में उतर जाते हैं। थोड़ी देर बाद कायरा और जैकी को हॉपर की तरह एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है और सभी पूरी तरह से डर जाते हैं और वो गुफा से निकलने का तय करते हैं। पर जब जैकी पहले रस्सी से क्लाइंब करने की कोशिश करती है, वो रस्सी खुद ब खुद टूट कर नीचे गिर जाती है। फिर उस रस्सी की जांच करने पर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे वो पुराना हो गया है और इसी कारणवश टूट गया है। इन्हें लगता है कि बाहर फर्बी उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और इसीलिए वो फर्बी को रेडियो करते हैं।
पर इसके विपरीत फर्बी रेडियो पर उनकी मदद के लिए उनको पुकारता है, जिसे सुनकर उनका डर और भी बढ़ जाता है। अब कोई और रास्ता ना दिखने पर एग्जिट की खोज में उन्हें आगे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है, जहां उन्हें हॉपर की तरह रोशनी अजीब तरीके से तेजी से धीमे और फिर तेज दिखाई पड़ती है। उन्हें और धक्का लगता है जब उन्हें नजदीक फर्बी की लाश मिलती है। उन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आता आखिर फर्बी, जिसे गुफा से बहुत डर लगता है, नीचे आने की कोशिश क्यों कर रहा था, ये जानने के लिए कि वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं। वीडियो देखने पर वह कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फर्बी के रिकॉर्डिंग के अनुसार कई दिन बीत चुके होते हैं। फर्बी के वीडियो से टायलर को एक बात समझ आती है कि हॉपर के उस रस्सी और गाड़ी के अलावा फर्बी को हॉपर के डैड की एक जर्नल मिलती है, जिसमें फाउंटेन ऑफ यूथ के पौराणिक कथा की खोज के बारे में लिखा होता है। पौराणिक कथा के अनुसार फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी किसी भी घाव या मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। इसीलिए इसी खोज में कई साल पहले स्पेन की रानी ने अपने सैनिकों को भेजा था वह पानी लाने के लिए, ताकि वह अपने बीमार पति को ठीक कर सके, पर वो भी हिप्पीज की तरह कभी लौटकर वापस नहीं आए। इधर फर्बी काफी दिन से भूखा था, इसीलिए थक कर वो डिसाइड करता है कि खुद से उन लोगों को ढूंढे। तभी उसे वह खाई मिलती है जहां हॉपर ने प्लान बी के लिए रस्सी बांधी थी, पर वहां से उतरते वक्त उसे भी रोशनी में बदलाव होता नजर आता है, और फिर कायरा की तरह उसकी रस्सी भी अचानक से टूट जाती है और वह सीधे नीचे गिर जाता है, पर उसका कैमरा सही सलामत होता है। ये लोग आपस में काफी बहस करते हैं और फिर फाइनली कायरा ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, और कायरा उस खाई को अपने हाथों से चढ़ाई करती है और उसे भी हॉपर की तरह कुछ अलग ही दुनिया दिखाई देती है। बाहर पूरी जगह बंजर हो चुकी है और डस्ट का स्टॉर्म उसकी तरफ बढ़े आ रहा है। ऊपर से सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है और सैटेलाइट का सिग्नल भी नहीं मिलता, और तभी उसे आसमान में एक विचित्र तरह का स्पेसशिप दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और डर के मारे रिटर्न नीचे उतर जाती है। उसके दोस्तों को गुस्सा आ जाता है कि वो कुछ ही सेकंड में रिटर्न आ गई, जबकि रियलिटी में वो काफी देर तक बाहर में थी। और तभी टायलर उसकी वीडियो देखता है और अब मूवी का रहस्य रिवील होता है। दरअसल समय रहस्यमय तरीके से गुफा में बहुत धीमे चलती है। गुफा के अंदर के एक मिनट बाहर का 15 साल के बराबर होता है। फिर वीडियो को देखकर टायलर को समझ आता है कि जब उसने फर्बी को कॉल किया था तब वह यही घायल पड़ा था और उसे हेल्प के लिए पुकार रहा था, और कोई अजीब इंसान अजीब बोली बोलने वाला फर्बी को बेरहमी से मार डालता है, यानी कि उनके अलावा और भी कोई इस गुफा में है। इन्हें कायरा और फर्बी के वीडियो से ये और भी कंफर्म हो जाता है वो इनविजिबल मॉइस्चर की दीवार एक तरह से बाहर की दुनिया और गुफा के समय को अलग करने वाली वार्म होल होती है। पर कुछ रहस्य हमें मूवी के आखिरी में समझ में आएगा, जैसे कि वो स्पेसशिप और ये जो अजीब इंसान है जिसने फर्बी को मारा। अभी इन लोगों की तकलीफें कम नहीं हुई थी कि किसी तरह का एलियन लैडर ऊपर से नीचे आता है, फिर उसमें से एक एलियन नीचे आता है और उस एलियन पर वही जंगली लोग हमला कर देते हैं। अब ये देखकर टायलर और सभी डर के मारे भागने लगते हैं और आगे उन्हें और भी जंगली इंसान दिखाई देते हैं, और हॉपर के माता पिता की डेड बॉडी भी उन्हें दिखाई देती है, जिन्हें जंगली व्यक्ति अभी अभी कुछ देर पहले ही मारे होते हैं, क्योंकि हॉपर के माता पिता को गायब हुए कई साल हो चुके हैं। पर यहाँ पर गुफा में समय अलग तरीके से काम करता है, स्लो मोशन में, तो उनकी मौत अभी अभी हुई है गुफा के अंदर के हिसाब से। फिर वो जंगली इंसान इन पर भी हमला करते हैं, फिर टायलर उन जंगली आदमियों से सभी की रक्षा करते हुए खुद मारा जाता है। वहीं फिर वह एलियन नजदीक के झील से किसी सैंपल ट्यूब में पानी लेकर निकलने लगता है, पर कायरा को टायलर के लिए रोते देख कायरा की लाख कोशिश के बावजूद वह टायलर को उसी पानी में डुबाने की कोशिश करता है, पर बाद में कायरा को समझ आता है कि वह उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह पानी उसी फाउंटेन ऑफ यूथ का हिस्सा है, जिसे कुछ ही सेकंड में टायलर को होश आ जाता है और उसके सारे घाव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे अब समझ में आता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ का रहस्य सच में है, पर तब तक दूसरे जंगली लोग उस एलियन को घायल करके उसका हेलमेट निकाल देते हैं, और हमें अब पता चलता है कि वो कोई एलियन नहीं बल्कि एक इंसान है, पर वह काफी साल आगे समय से आया हुआ है। इस समय इंसान इवोल्यूशन के कारण काफी लंबा है और अब धरती के वातावरण में सांस नहीं ले सकता, और उनकी बोली भी थोड़ी सी अलग हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि धरती के बाहर समय काफी आगे जा चुका है।
अब कायरा के पूछने पर वह कौन सी ईयर से आया है, वो अपने डिवाइस से कायरा का फेस स्कैन करता है और उससे रिलेटेड एक वीडियो दिखाता है। इस वीडियो में पता चलता है कि कायरा और विविस की गायब होने की खबर न्यूज में थी। इसके अलावा वह ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी देता है कि धरती अब रहने लायक नहीं है, इसलिए इंसान कई साल पहले धरती को छोड़कर एक स्पेसशिप में, जिसे आर्क कहते हैं, उसी में चले गए, और ये भी किसी के लिए पानी लेने के लिए आया था, और फिर वो इंसान मर जाता है। सभी शौक में हैं कि अब वह करे तो क्या करे, क्योंकि धरती अब रहने लायक नहीं बची, और अगर वो इस गुफा में रहेंगे तो शायद वो भी इनकी तरह जंगली बनकर रह जाएंगे। सभी फिर डिसाइड करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए हमें बाहर निकलना है, और वहीं पर टायलर को हॉपर का बैग मिलता है। टायलर पहले हॉपर को ढूंढने का डिसाइड करता है और बाकी सभी बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुफा में कुछ दूर जाने पर टायलर को फाइनली हॉपर मिलते हैं, जो जंगली लोगों से फाइट के कारण बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। यहाँ पर टायलर को आगे वही फाउंटेन ऑफ यूथ मिलता है, जिसमें काफी लोग, जैसे कुछ जंगली इंसान, स्पेन के वही लड़ाकू जिन्हें क्वीन ने एक समय भेजा था, और कुछ सैनिक के अलावा हॉपर की सिस्टर भी दिखाई देती है, क्योंकि फाउंटेन के करीब का एरिया और भी धीमी गति से चलता है, इसीलिए हॉपर की सिस्टर अभी उतनी ही उम्र की दिखाई देती है। टायलर कोशिश करता है हॉपर की सिस्टर को निकालने की, पर समय रहते हॉपर उसे रोक लेता है, क्योंकि वहाँ एक बार गए तो कभी लौट कर नहीं आएंगे। बाकी लोगों की तरह वो भी वहीं फंस जाता। इधर मरे हुए जंगली लोगों को एक जंगली बच्ची उसी पानी से जिंदा कर रही होती है। अब हॉपर की रिक्वेस्ट पर टायलर उन्हें वहीं छोड़कर बाकी सभी के साथ गुफा से भागने की कोशिश करता है, पर अब गुफा के बाहरी सतह पर पानी भर चुका है, इसका मतलब पूरी दुनिया पानी में शायद डूब चुकी होगी। फिर जब वो ऊपर चढ़ रही होती है तो अचानक से उसे एक एलियन जैसा हाथ पानी से अपनी तरफ आते दिखाई देता है। वहीं जंगली लोगों को इलेक्ट्रिकल लेडर को ऑफ करने का तरीका समझ में आ जाता है। जैसे ही एलियन कायरा को अपनी तरफ खींच लेते हैं, वैसे ही जंगली लोग लैडर को बंद कर देते हैं और फिर बाकी सभी गिरने लगते हैं, जहां गुफा के अंदर समय के अंतर होने की वजह से टायलर और बाकी सभी धीमी गति से गिरते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले कि सभी लोग जंगली लोगों के हाथ मारे जाते, अचानक से कायरा आ जाती है और कुछ केबल की मदद से उन सभी को ऊपर खींच लेती है, यहाँ तक कि हॉपर और उसकी फैमिली के अलावा उसके सिस्टर को भी, और फिर थोड़ी देर बाद हॉपर और उसकी पूरी फैमिली को होश आ जाता है, जहाँ अब हॉपर की उम्र उसके पेरेंट्स से भी ज्यादा होती है। सभी खुद को एलियन से घिरे हुए उसी स्पेसशिप आर्क में पाते हैं, जो धरती जैसे प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा होता है। हॉपर और सभी शॉक में हैं। फिर टायलर उन्हें समझाता है कि उनके पास बहुत समय है उन्हें समझाने के लिए, हम धीरे धीरे सब कुछ समझा देंगे। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में कई सारे सवाल होंगे, जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए, शायद कोई और व्यूअर, दर्शक आपके सवाल का जवाब दे दे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।